हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज मैं उठी हूँ तो मौसम बहुत ही प्यारा, देखिए आज मौसम कितना प्यारा है। रात इधर हल्की हल्की सी बारिश भी हुई है और अभी भी देखें कितनी ठंडी ठंडी सी हवा बाहर चल रही है। अभी लगता था कि जैसे सर्दियाँ चली गई हैं, लेकिन आज की ठंडी हवा के बाद लग रहा है कि सर्दियाँ अभी हैं। ये देखें, हमारे बच्चे सामने साइकिल चला रहे हैं। अच्छा जी, आज का जो मेरा व्लॉग है वो ख़ास, वैसे तो सबके लिए, लेकिन ख़ास तौर पे मेरी उन बहनों और उन आंटियों के लिए जो अपने ओवर वेट की वजह से परेशान हैं या जिनको बेली फैट्स का मसला है। आज का मेरा व्लॉग स्पेशल उन लोगों ने देखना है और बाद में मुझे ट्राई करके भी बताना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जो मैं आपको रेसिपी दूँगी उसके साथ 3 दिन में आपके बेली फैट्स कम होंगे। जी, मैं जा रही थी किचन में, जाते जाते मुझे अमल सामने आ गई, तो सोचा थोड़ा सा अमल का भी कैप्चर किया जाए। अमल चलें जी, तो अब हम आ गए अपने किचन में। अब हम करेंगे अपनी रेसिपी स्टार्ट, जिसके साथ आप लोग अपना वेट कम से कम 3 दिनों में आप लोग अपना वेट कम कर सकते हैं। जिनके पेट, ख़ास तौर पर जिनके पेट वो लटके हुए से होते हैं, एक्स्ट्रा बेली फैट्स जिसको आप लोग कह सकते हैं, वो गायब हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पानी गर्म हो रहा है हमारा गर्म, इसके अंदर हम डालते हैं ये जो अपने लेमन और जिंजर जो हमारा कटा हुआ है ना, अब इनको हमने 3 से 5 मिनट तक के लिए ना इसको बॉयल होने देना है। साथ साथ हम ये इसको कर देते हैं। जब पानी हमारा पक रहा है, साथ साथ हम कर लेते हैं थोड़ी सी बातें। आप लोगों में से जिस जिसका वेट ज़्यादा है उसने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि मेरी इस रेसिपी की वजह से उनका वेट किस हद तक कम हुआ है। ये देखिए, इधर हमारा पानी जो है वो फुली बॉयल हो रहा है। हमने इसको 3 से 5 मिनट तक के लिए इसको उबलने देना है। ये देखो पानी अब पक रहा है। अब हम इसको करते हैं स्टेन, थोड़ा सा ठंडा करते हैं। अब हम इसको करते हैं स्टेन। हम लोग इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, हनी ऐड करके लेना ये ऑप्शनल है। अगर बंदा वैसे इसे ट्राई करे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, लेकिन अगर कोई किसी को इसका टेस्ट अच्छा ना लगता हो तो वो इसको हनी के साथ ले सकता है। थोड़ा सा ठंडा करके इसको नीम गर्म लेना है। आप लोगों ने इसको ट्राई करके लाजमी बताना है कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा और इसे आपको फ़ायदा क्या हुआ। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।